जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में हम नजर डालेंगे 10 नए एंड्रॉयड गेम्स पे। जी हाँ, ये इस महीने के लेटेस्ट गेम्स हैं और इस वीडियो में हमने खास तौर पे इस पे नज़र डाली है कि आपको एकदम हाई एंड गेम्स भी दें और जो लो एंड गेम्स भी हैं उनके भी एक दो गेम्स आपको इस लिस्ट में हम बताएंगे, और टोटल में आपको 10 गेम्स जो नए गेम्स हैं उसका आपके बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम गेम्स की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहला गेम है लिस्ट में एस्फॉल्ट स्ट्रीट स्टॉर्म, और ये एस्फॉल्ट का एकदम लेटेस्ट टाइटल है। लेकिन यहाँ पे जितने भी आपको आज तक एस्फॉल्ट के गेम्स मिले हैं वैसा गेम प्ले नहीं है, बल्कि ड्रैग रेसिंग है। और दोस्तों, ड्रैग रेसिंग में होता क्या है कि आपको अपने जो गियर शिफ्ट है बस उस पर ध्यान देना है। आपकी जब गाड़ी चलेगी तो एकदम परफेक्ट टाइम पर आपको उसको स्पीड अप करना है, और उसके बाद आपको जो गियर शिफ्ट होते हैं, जैसे एक के बाद जो दूसरा गियर है उसे एकदम प्रिसाइज मोमेंट पे, जो परफेक्ट शिफ्ट है उसको अगर लगाते रहेंगे तो आप इस गेम में आगे बढ़ते रहेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको वैसा ही गेम लॉफ्ट जैसे अपने बाकी के एस्फॉल्ट गेम्स में देता है, आपको गाड़ियाँ खरीदनी है, उसको अपग्रेड करने हैं, कार्ड्स आपको मिलते रहेंगे, अनलॉकेबल कंटेंट्स है, और अगर आप चाहें तो इसमें पैसे दे करके भी कुछ कंटेंट खरीद सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एस्फॉल्ट की तरफ से ये थोड़ा हट के रेसिंग गेम है और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और दूसरा गेम है दोस्तों लिस्ट में एंग्री बर्ड एवोल्यूशन, और यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न गेम मिलता है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुराने एंग्री बर्ड्स होता है जिसमें आप कैटापल्ट पीछे करते थे उसके बाद आपकी बर्ड्स फ्लाई करके जाती थी, वैसा गेम प्ले यहाँ नहीं है। यहाँ पे कुछ कबड्डी की तरह गेम प्ले है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक अरीना में एंग्री बर्ड्स और पिग्स रहेंगे और उनमें डिफरेंट पावर्स रहेंगी जो इवॉल्व होकर के आप उनको इवॉल्व कर सकते हैं, और जैसे नए गार्ड्स अगर आप कलेक्ट करेंगे तो उनके पावर्स डिफरेंट होती रहेंगी। उसके बाद आपको अरीना में टर्न बाय टर्न जो प्लेयर्स हैं उसमें आपको सामने वाले जो पिग्स हैं उनको हराना है, और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक स्कोर होता है दोस्तों, टीम स्कोर, और जिसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टीम ज़्यादा पावरफुल है। तो हमेशा अपने जो एंग्री बर्ड्स हैं उनको इवॉल्व करके जो टीम स्कोर है उनको हाई रखें, और आप एक के बाद एक लेवल पार कर पाएंगे। दोस्तों, गेम प्ले वो बहुत ही औसम है और थोड़ा डिफरेंट काइंड का गेम प्ले है, तो अगर आप एंग्री बर्ड्स के पुराने गेम्स अगर बोर हो गए थे इसका मतलब ये भी नहीं है उसको ट्राई नहीं करेंगे, तो अभी इंस्टॉल करिए दोस्तों। अब तीसरा और लगभग 2 GB का गेम है दोस्तों लिस्ट में आयरन ब्लेड, और ये मेडिवियल RPG स्टाइल गेम है। तो इस गेम की सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इसमें एकदम फुल ऑन ग्राफिक्स में जो स्लैश एंड हैक टाइप के गेम होते हैं, इसमें आप तलवारबाजी करते हैं, स्वॉर्ड फाइटिंग जो होता है, और उसके बाद आर्चरी भी आप यहाँ पे कर पाएंगे, डिफरेंट स्पेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बोलते हैं ना, फुल ऑन अगर आप RPG स्टाइल गेम खोज रहे हैं मेडिवियल टाइम के, जिसमें ड्रैगन्स हैं, बहुत सारे मैजिकल पावर्स हैं और ग्राफिक्स और बहुत अच्छी है, तो आप इस गेम को ज़रूर ट्राई करें। और दोस्तों, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गेम बिकॉज ऑफ इट हाई एंड ग्राफिक्स हर डिवाइस पे नहीं चलेगा, लैग मार सकता है, तो मतलब इतना ही है। अब चौथा गेम, और दोस्तों फिर से एक बहुत ही बड़ा नाम है, प्रो एवोल्यूशन सॉकर 2017। अब फीफा भी दोस्तों इसी साल लॉन्च हुआ था, फीफा 2017, लेकिन वहाँ पे पता नहीं डेवलपर्स ने क्या किया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कुछ ही डिवाइसेस में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रो एवोल्यूशन सॉकर दोस्तों आप किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी वापस बोलूँगा कि हाई एंड डिवाइसेस में इनको इंस्टॉल करें, बिकॉज लगभग 1.18 GB का ये गेम है। और इस गेम की सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो इसके कंट्रोल्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि फीफा में हम लोग अक्सर देखते हैं कि आपको बटन बेस्ड कंट्रोल्स मिलते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन अगर आपके डिवाइसेस से 5 स्क्रीन में आप जेस्चर कंट्रोल के साथ खेल सकते हैं, और लगभग सारी चीज़ें, मतलब लगभग तो क्या, हर चीज़, मतलब पास से लेकर के शूट तक, स्प्रिंट से लेकर के टैकल तक, सब कुछ जेस्चर बेस्ड है। दोस्तों, पांचवा गेम है लिस्ट में बैटल बे, और ये भी रोवियो का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने सारे के सारे जो गेमिंग डेवलपर्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो रखे हैं, बिकॉज ये नंबर 5वें पे भी है, लेकिन फिर भी मतलब मैं इस पर समझ नहीं पा रहा कि कौन सा गेम सबसे ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके पास एक बोट रहेगी जो वेपनाइज होगी, और ये एक मासिवली ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जहाँ पे आपकी एक टीम मतलब ऑनलाइन ही बनेगी, और सामने वाले के भी दोस्तों 5 लोग होंगे, और आपको आपस में लड़ाई करनी है, और जो लास्ट टीम स्टैंडिंग होगी वो जीत जाएंगे। अब जैसे जैसे आपको पैसे कमाने का ऑप्शन मिलेगा, अगर आप जीतेंगे तो उसके बाद आप नए वेपन्स खरीद सकते हैं, अपनी बोट को स्पीड अप कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक बात है दोस्तों कि जितने भी मैंने अभी तक गेम्स बताए हैं सब में आपको ऑनलाइन कनेक्शन
का होना बहुत ज़रूरी है, तो आप 4G पे और वाईफाई पे ही उसको खेल पाएंगे। अब छठा गेम है दोस्तों लिस्ट में फ्यूचरामा वर्ल्ड ऑफ टुमारो, और मैं इस गेम के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा बिकॉज सबसे पहली बात कि अगर आपने फ्यूचरामा के सीरीज़ देख रखी है, कार्टून सीरीज़ आती थी दोस्तों पहले, और उस पर ये गेम बेस्ड है, तो बहुत सारे जोक्स वगैरह उससे इंस्पायर्ड हैं, तो अगर आपने शायद सीरीज़ नहीं देखी होगी तो आप थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील करें। और उसके बाद दोस्तों जो उसका गेम है वो एक मतलब सिम सिटी की तरह समझ लीजिए या टाउनशिप, जहाँ पे आपको बेसिकली न्यूयॉर्क को वापस से रीडिज़ाइन करना है अपने तरीके से, और एलियन अटैक हो चुका है जैसे कि ऑलमोस्ट हर गेम में होता है। और उसके बाद दोस्तों इसमें बहुत सारे मिनी गेम्स भी आपको मिलेंगे जिससे कि आप दूसरे जो कंटेंट है उनको अनलॉक कर सकते हैं और गेम में आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये तो बहुत हाई एंड गेम्स हो गए, अब हम नज़र डालेंगे लो एंड गेम्स पे, और उसमें सबसे पहला नाम है द फ्लोर इज लावा, और वो कैचअप ऐप्स के तरफ से है। और कैचअप ऐप्स के दोस्तों एक बात है कि वो बहुत एडिक्टिव गेम्स बनाते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आप एक डॉर्म रूम में समझ लीजिए और वहाँ पे एक के बाद एक फर्नीचर है जिसमें आप जंप करना है, और जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फ्लोर में पता नहीं कैसे बट फ्लोर लावा का बन जाएगा, और जैसे ही आप मतलब उन सारे फर्नीचर से नीचे गिरेंगे आप मर जाएंगे, तो उसको एक एंडलेस रनिंग गेम भी आप समझ सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट गेम है लिस्ट में फ्लिपी हिल्स, और आप इसको जो क्रॉसी रोड अगर आपने गेम खेला होगा जिसमें आपको एक मुर्गे को रोड क्रॉस कराना है उसका आप इवॉल्व वर्जन समझ सकते हैं, और यहाँ पे बेसिकली आपको जंप कराना है अपने मुर्गे को बहुत सारे और कैरेक्टर्स है जो आप अनलॉक कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप जंप कराएंगे तो उसकी जो गर्दन है वो नहीं टूटनी चाहिए गिर करके, और फिर आपको कॉइन्स इकट्ठे करने हैं, समरसॉल्ट्स मारने हैं, और उसको बेसिकली एकदम बैलेंस्ड रखना है गेम में आगे जाने के लिए। अब सेकेंड लास्ट गेम है दोस्तों लिस्ट में येलो, और ये बेसिकली एक पजल गेम है, लेकिन इसका जो पजल स्टाइल है मतलब यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के पजल्स मिलेंगे, नहीं, हर लेवल में दोस्तों कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट करना है, और वहाँ पे कोई हिंट भी नहीं रहेगा, तो हिंट के लिए आपको इसके लिए एक बटन तो रहेगा जिसमें आप ऐड्स देख करके हिंट ले सकते हैं, लेकिन पजल गेम के बारे में अगर आप जानना चाहें तो इसको ज़रूर खेलें, बिकॉज एक के बाद आप एक लेवल से दूसरे लेवल को रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, और शायद बहुत बार तो आपको ये भी ना पता चले कि आपको करना क्या है, और वो इस गेम की दोस्तों USP है। दोस्तों लास्ट गेम है लिस्ट में सोनिक द हेजॉग, जी हाँ, मतलब जब मैं छोटा था ना तब मैंने इसके गेम अपने वीडियो गेम में खेले थे, और लगभग सेम ग्राफिक्स के साथ सेगा ने वापस इस गेम को निकाला है, और यहाँ पे आपको बस वही है कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, एनिमीज़ को मारना है, लेकिन जो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग होती है वो इस गेम को दूसरों से अलग करती है, बिकॉज जो ग्राफिक्स है, जो साउंड है, वो आपको 8-bit सिस्टम्स के मिलेंगे, और इफ़ यू रियली वॉन्ट टू मतलब आपको वो अगर दिन दोबारा जीने अपने फ़ोन पर तो इस गेम को ज़रूर इंस्टॉल करें। तो दोस्तों ये थे 10 नए गेम्स इस महीने के, और लगभग दोस्तों सारे गेम्स ना एक से बढ़कर एक है, अगर आप मेरी माने तो मेरा फेवरेट गेम है जो अपने बैटल बे है वो, और उसके बाद एसफॉल्ट स्ट्रीट स्टॉर्म। तो मैं जानना चाहूँगा कि दोस्तों आपका सबसे पसंदीदा गेम इस लिस्ट में कौन सा है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप दें, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन भी अभी दबाएं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।